हे उस गाइस, वेलकम बैक अगेन वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में बताने वाले कैसे आप रेड एंड पर्पल टोन लेकर आ सकते हो अपनी फोटो में। सो गाइस, जो आपको स्क्रीन फोटो की इसमें जो कलर टोन काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो कलर टोन है काफ़ी यार सिनेमैटिक एंड सीबी एडिटिंग की तरह कलर टोन दिख रहा है, ठीक है, और एकदम डार्क कलर टोन है और इस तरह की फोटो एडिटिंग काफ़ी अमेजिंग। अगर आप इस तरह की फोटो एडिट करना चाहते हो अपने स्मार्टफोन से गाइस, तो आपको सिंपली वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रखा कैसे आप आसानी से इस तरह की फोटो एडिट कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सो या गाइस, विदाउट एनी वेस्ट मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ऑलराइट, सो गाइस, आपको सबसे पहले google.com पे जाना है, ठीक है, और जैसे आप google.com पे जाओगे, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है, ठीक है, तो वेबसाइट का नाम है nicsupport.in, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे nicsupport.in में सर्च करूँगा, ठीक है, तो जैसे मैंने nicsupport.in सर्च किया गाइस, ठीक है, एंड यहाँ पे एक वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है, nicsupport.in की, तो इस वेबसाइट में आपको दिख रहा है लाइटरूम प्रीसेट 2021 का, ठीक है, तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट में ही एक आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है, रेड एंड कर लेना गाइस, ठीक है, रेड एंड पर्पल करके गाइस, ठीक है, और अगर आपको फर्स्ट में आर्टिकल नहीं मिलता तो आपको वेबसाइट के सर्च बॉक्स में जाना है एंड वहाँ पे आपको रेड एंड पर्पल लिखना गाइस, ठीक है, तो भी आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है, उस आर्टिकल से प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, तो इस वेबसाइट से प्रीसेट को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद सिंपली आपको जाना है लाइट रूम की ऐप के अंदर। सो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, मैं लाइट रूम की ऐप के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, अपनी खुद की फोटो को इम्पोर्ट करना है लाइट रूम की ऐप के अंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑल फोटोज से मैंने कुछ फोटो ऑलरेडी इम्पोर्ट करके वाली है, ठीक है, जो एकदम नॉर्मल फोटो है, तो आपको भी अपनी खुद की फोटो इम्पोर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, ऑल फोटोज़ के अंदर। फोटो को इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्रीसेट को इंपोर्ट करना है, ठीक है, जो अभी हमने वेबसाइट से प्रीसेट डाउनलोड किया था गैस, ठीक है, उसको इंपोर्ट कर लेंगे ये वाला, जैसे हमारा रेड एंड पर्पल गैस, ठीक है, तो इस प्रीसेट को डाउनलोड कर लीजिए उस वेबसाइट से जो मैंने आपको बताई nicsupport.in, उस वेबसाइट से इस प्रीसेट को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको प्रीसेट करना है ओपन। तो यहाँ पे मैंने क्या, सो गाइस, यहाँ पे मैंने प्रीसेट को कर लिया ओपन गैस, ठीक है, तो काफ़ी प्रीमियम प्रीसेट है, तो इसकी सेटिंग कॉपी करेंगे, थ्री डॉट क्लिक कर लीजिए ऊपर एंड यहाँ पे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, कॉपी सेटिंग क्लिक किया मैंने एंड टिक पे क्लिक किया एंड बैक पे जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी फोटो लेंगे, ठीक है, तो मैंने इस वाली फोटो ले लिया गाइस, ठीक है, थ्री डॉट क्लिक करा मैंने पेस्ट सेटिंग, तो गाइस एक क्लिक में फोटो में एक सीबी एडिटिंग यानी कलर टोन आ चुका है गाइस, ठीक है, जिससे फोटो काफ़ी अमेजिंग दिख रही है, और अगर मैं इस वाली फोटो को ले दूंगा गाइस, थ्री डॉट क्लिक करा पेस्ट सेटिंग, ठीक है, फोटो काफ़ी अमेजिंग बन रही है एक क्लिक के अंदर, तो यहाँ पे अगर मैं इस वाली फोटो को लेता हूँ, ठीक है, एंड थ्री डॉट क्लिक करा मैंने पेस्ट सेटिंग, तो फोटो काफ़ी अमेजिंग बन रही है एक क्लिक में, काफ़ी क्लासिक फोटो बन रही है, ठीक है, और अगर मैं इस वाली फोटो लेता हूँ जिसका बैकग्राउंड आपको देख लीजिए, एक ग्रीन एरिया दिख रहा है, तो थ्री डॉट क्लिक करा मैंने पेस्ट सेटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो फोटो में काफ़ी अमेजिंग कलर टोन आ रहा है, ठीक है, और अगर आप कलर कुछ एडजस्ट करना चाहते हो भी कर सकते हो, सिंपली आपको जाना है इस कलर के ऑप्शन पे एंड यहाँ से आपको टेम्परेचर थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है, तो टेम्परेचर मैनेज करूँगा, ठीक है, कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो आप कर सकते हो अपने फोटो को, ताकि फोटो में कलर एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा मैनेज कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से एंड यहाँ पे टिंट को थोड़ा प्लस कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि फोटो और भी अमेजिंग बन सके। तो यहाँ पे देख लिए फोटो में एक ब्लैक सा टोन आ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे उसके बाद सिंपली आप जा सकते हो इस स्क्वायर ऑप्शन पे एंड यहाँ से विग्नेट को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि साइड में एक शेडो आ जाए, ठीक है, फोटो और भी अमेजिंग बन सके। तो यहाँ पे कुछ आप मैनुअल सेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, इस प्रीसेट को यूज़ करने के बाद, ठीक है, तो काफ़ी आप प्रीमियम प्रीसेट है, डेफिनेट रहेगा इस प्रीसेट को, क्योंकि ये प्रीसेट आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा आपकी फोटो को एडिट करने में, ठीक है, तो इस प्रीसेट को मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करना आपको, ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आएगी शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब जाना होगी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो मिलता है आपको अगली एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड विद निक टेक्निक।